नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम प्रज्ञा शर्मा है और आज इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके टर्म टू बायोलॉजी एग्जाम का सैम्पल पेपर। तो भाई, इससे दो तीन फायदे होंगे। पहली बात तो पेपर का पैटर्न हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कितने कितने सवाल आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे, कैसे हमें इन्हें अप्रोच करना है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्या क्या लिखना है। दूसरी चीज, जब अपने सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हमारे रिवाइज हो जाएंगे। तो चलो अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद दिला दूं कि अगर अपने आनंद सर की उम्मीद टीम के साथ मिलकर बढ़िया तरीके से आप नीट की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसमें आप एनरोल कर सकते हो कोड आनंद यूज करके, यानी ANAND। दूसरी बात, अगर आपको सिर्फ नीट नहीं बल्कि अपनी पढ़ाई से रिलेटेड दूसरा भी कोई डाउट है, चाहे स्टडी मटेरियल के बारे में हो, नोट्स के बारे में, क्लासेस के बारे में या मॉक टेस्ट के बारे में, आप इसके रिगार्डिंग हमारे साथ हमारे टेलीग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी जुड़े रह सकते हो। नीट 2023 की तैयारी के लिए भी पहल बैच लॉन्च कर दिया गया है, तो इसमें भी आनंद कोड यूज करके आप एनरोल कर सकते हैं। तो चलो भाई अपने सैम्पल पेपर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए पे आए तो सेक्शन ए में हमें क्या मिलता है भाई, हमारे इस एग्जाम में दो दो मार्क्स के 6 क्वेश्चन हमें सेक्शन ए में मिलने वाले हैं। तो एक बात याद रखना जरूरी है कि जैसे ही सवाल पूछा जाए तुरंत दिमाग में सोच लो कि ये दो नंबर जो हमें मिलेंगे ये किस किस पॉइंट के मिलेंगे, हमें कौन से मेन चीजें हैं जो इसमें लिखनी है, और इसके अलावा फालतू की कहानी लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि दो नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर हमें लिखना है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। ज्यादा कहानी लिखोगे, जरूरत से ज्यादा लंबा लिखोगे तो जो पेपर चेक कर रहा होगा वो भी इरिटेट हो जाएगा, अपना टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए 2 घंटों का हमें पूरा सदुपयोग करते हुए जितनी जरूरत है उतना ही कंसाइज आंसर लिखना है, और ये सोच के लिखना है कि अगर दो नंबर का है तो किस हिसाब से इसमें मार्क्स का ब्रेकडाउन होगा, क्या लिखने पे कितने नंबर हमें मिलेंगे। तो चलो यहाँ पर सैंपल पेपर में पहला जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा उसमें क्या पूछ रहा है, उसमें पूछा है कि ह्यूमन बीइंग्स के पास इनेट इम्यूनिटी है, जो हमारे गट में फूड के साथ एंटर कर रहे हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में खाने के साथ एंटर कर रहे हैं, उन पैथोजेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने के लिए। अब ऐसे कौन से 2 बैरियर हैं जो इन पैथोजन से हमें बचाते हैं। तो भाई 2 नंबर का क्वेश्चन है और 2 बैरियर बताने हैं, तो साफ साफ उनका नाम मेंशन करो और थोड़ा थोड़ा सा बस एक लाइन उनके बारे में लिख दो। तो किस तरीके से इस आंसर को फ्रेम करोगे भाई, देखो एक शुरू में इंट्रोडक्शन की लाइन लिखी है कि माइक्रोबियल पैथोजन फूड के साथ गट में एंटर कर जाते हैं, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बात तो क्वेश्चन में ही लिखी हुई थी और वैसे की वैसी ये लाइन वहां पे लिख दी। इसके बाद जो आपको नंबर मिलेंगे किस चीज के मिलेंगे, 2 तरह के बैरियर हमें बताने थे। तो पहला हमने फिजिकल बैरियर बनाया, जैसे कि हमारी बॉडी में जो भी अंदर के ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनकी इंटरनल लाइनिंग में हमें म्यूकस मिलता है, और ये म्यूकस हमारे बॉडी के बाहर से जो पैथोजेंस एंटर कर रहे हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स एंटर कर रहे हैं, उनको ट्रैप करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए होता है ताकि बॉडी में अंदर ना जा पाए। तो फिजिकल बैरियर में हमने म्यूकस कोटिंग मेंशन कर दिया, एपिथेलियल लाइनिंग की म्यूकस कोटिंग जो हमारे गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर माइक्रोब्स को ट्रैप करने का काम करेगी। एक नंबर इसका हो गया, एक तो नाम मेंशन करने का और दूसरा इसके बारे में जो हमने शॉर्ट में बताया है उसका। और फिर दूसरे नंबर के लिए दूसरे बैरियर के बारे में बताओगे, हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर, पहला फिजिकल हो गया, दूसरा फिजियोलॉजिकल हो गया, जिसमें हमारे स्टमक का एसिड, हमारे माउथ का सलाइवा, ये चीजें आप मेंशन करोगे क्योंकि पर्टिकुलरली डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की है, एलिमेंट्री कैनाल में घुस रहे हैं माइक्रोब्स, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हमारे गट में घुस रहे हैं, तो उसी के लिए स्पेसिफिकली अपन ने आंसर कर दिया, जहां पर फिजियोलॉजिकल बैरियर मेंशन करने का हमें आधा नंबर और आधा नंबर यहाँ पर ये दोनों एग्जाम्पल देने का मिल जाएगा। तो इस तरीके से अपने 2 नंबर के क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा है जिससे हमें नंबर मिलने वाला है, जो की पॉइंट है उसको लिखेंगे और फालतू कहानी लिख के अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन हमें 2 नंबर का क्या दे रखा है, देखो इसमें इंटरनल चॉइस है, ये जो हमें सैंपल पेपर मिला इसको देख के हमें बिल्कुल क्लियरली पता लग जाएगा कि हम जो अपना एग्जाम देने वाले हैं उसमें किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसा पेपर आ सकता है। देखो ओवरऑल तो कोई चॉइस नहीं होती, सारे के सारे क्वेश्चन कंपल्सरी हैं, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है, यानी बीच में और लगा के हमें ऑप्शन दे दिया है, तो आपको जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिल रहा है शुरू में उसी में पहले डिसाइड कर लो कि दोनों ऑप्शन में से कौन से में आपको ज्यादा आसानी होगी, कौन से के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो, क्योंकि पेपर में जो लिखने का टाइम है वहां बीच में बैठ के ये नहीं सोचना, इस जद्दोजहद में नहीं पढ़ना है कि क्या करें, कौन सा वाला अटेम्प्ट करें, कौन सा वाला ज्यादा सही रहेगा, पहले से ही सोच के रखो। अब देखो यहाँ पे दोनों है तो हम तो एक बार दोनों को ही डिस्कस कर लेते हैं। इसमें इन्होंने फोटो दे दिए तो फोटो देख के तुरंत ही घबरा जाए कोई बच्चा कि ऐसी कोई फोटो तो हमने अपनी किताब में देखी नहीं है, इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसा नहीं करना, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो चाहे उसने कितना भी घुमा फिरा के पूछा हो, पूछेगा वो 100% वही बात जो तुम्हारी किताब में दे रखी है। तो देखो
पेशेंट आईसीयू में एडमिटेड है. अब देखो बिना बात की कहानी क्वेश्चन में दिए बस बच्चे को डराने के लिए. अब वो भाई आईसीयू में या जनरल वार्ड में, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हुआ क्या है हमें तो ये बताओ. तो देखो उसको डायग्नोज किया है मायोकार्डियल इन्फेक्शन से. मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है भाई, ये बस अंग्रेजी में हार्ट अटैक को ही बोलते हैं. हार्ट अटैक को अगर मुश्किल तरीके से बोलना चाहो तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोल सकते हो, और आपकी एनसीईआरटी में भी इसी तरीके से बोला हुआ है. तो कह रहे हैं कि पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन है और उसकी कोरोनरी आर्टरी की, यानी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई दे रही है, उस आर्टरी की कंडीशन यहां पे हमें दिखाई गई है फोटो में. तो आर्टरी में क्या दिख रहा है कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, किस तरीके से ब्लड का क्लॉट है जिसकी वजह से आर्टरी रुक गई है, ब्लॉक हो गई है, और कोलेस्ट्रॉल अंदर जमा हुआ है जिसकी वजह से उसका ल्यूमन छोटा हो गया है. तो अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमें दो बायो एक्टिव एजेंट्स का नाम बताना है जो कि इस कंडीशन को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं. तो भाई हमारे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर का ये क्वेश्चन है, और इस चैप्टर से ज़्यादातर संभावना यही है कि आपके पेपर में दो नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, कोई भी लंबा क्वेश्चन और पाँच नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल भी इस चैप्टर से आएगा ऐसा सोचना मत. इसीलिए यहाँ पर दो नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देख के पहले ही पहचान लो, चाहे कितना भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन उसने दे रखा है वो छोटा ही पूछ, वो कोई छोटी सी बात ही रहा है और वो ही उसने पूछा. ये दो कंडीशन है, एक तो यहाँ ब्लड की क्लॉटिंग हो रही है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, हार्ट अटैक हो गया, और दूसरी चीज कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है इसीलिए आर्टरी के अंदर जमा हुआ है. तो हमारे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में से याद करो कि क्लॉट बस्टर कौन सा होता है जो क्लॉट को मिटाने में काम आता है, और कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला एजेंट कौन सा होता है. बस वही अपना आंसर है. यहाँ पर देखो किस तरीके से आंसर फ्रेम किया है, जो स्ट्रेप्टोकाइनेस है ये क्लॉट बस्टर की तरह फंक्शन करता है. स्ट्रेप्टोकाइनेस मेंशन करना है, क्लॉट बस्टर मेंशन करना है. जिन भी पेशेंट्स को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, जिनको भी हार्ट अटैक हुआ है, उनमें हम स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया द्वारा बनाया गया, प्रोड्यूस किया गया ये स्ट्रेप्टोकाइनेस क्लॉट को हटाने के लिए, क्लॉट को मिटाने के लिए यूज कर सकते हैं. तो खाली एक नंबर इससे हमें मिलना है, और यही एक दो चीज़ें आपको मेंशन करनी है जिससे आधा आधा नंबर आपको मिल जाए. मायोकार्डियल इन्फेक्शन तो हमने अपने आप से बोला ही नहीं है, तो क्वेश्चन में ही बता रखा था. अपने आप से हमने क्या क्या बताया कि स्ट्रेप्टोकाइनेस वो बायोएक्टिव एजेंट है जो क्लॉट बस्टर का काम करेगा, और स्ट्रेप्टोकॉकस से हमें मिलता है. कौन से माइक्रोब से मिलता है ये बता दो, जो मिलता है उस प्रोडक्ट का नाम बता दो, और क्या काम करता है वो तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही हमसे पूछा हुआ है, क्लॉट मिटाने के लिए हमारे काम में आएगा. दूसरा पॉइंट क्या है, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए हमें क्या यूज करना है. तो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट स्टेटिन होता है, जो कि मोनास्कस परप्यूरियस नाम के फंगस से बनता है. ये दोनों चीजें हमने मेंशन कर दी, और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है. तो यहाँ पर देखो इसने क्वेश्चन को कितना घुमा फिरा के, कितना अजीब तरीके से बताया, बस पूछ ही लेकिन यही रहा था, सिंपल सी एक बात पूछ रहा था कि एक तो क्लॉटबस्टर का नाम बता दो और एक कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट का नाम बता दो. तो ज़्यादातर आपके टर्म टू एग्जाम में इतने घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आने चाहिए. जो पेपर आता है वो बेचारा सीधा साधा ही आता है, लेकिन अगर इस तरीके से कुछ आ भी गया, कोई लंबी सी कहानी बता भी दी, तो उसको देख के घबराना नहीं है. आपको तो सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को छान के ये देखना है कि इसमें काम की बात कहाँ है, इसमें जो पूछ रहा है वो क्या है, और हमें आंसर में क्या लिखना है. बाकी वो कितनी भी फोटो बनाए, कितना भी डायग्राम दिखाए, या कोई भी कहानी बताए कि पेशेंट फलाने हॉस्पिटल के आईसीयू में है, इसको ये हो गया है, हमें मतलब इससे कि हमसे क्या पूछा गया. तो इसमें दो नंबर का अपना क्वेश्चन था जिसमें हमने दोनों ही एजेंट्स का नाम बता दिया. या फिर और में हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है, हमसे पूछ रहा है कि हमें बताना है, दो रीज़न देने हैं कि क्यों हमारे क्रॉप लैंड की फ्लोरा एंड फौना की होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए बायो कंट्रोल मेथड चूज करने से पहले. तो यहाँ पर भी दो नंबर में आप दो तीन बातें मेंशन करोगे. पहली बात तो यहाँ पे देखो किस तरीके से आंसर फ्रेम किया है, अगर हम पूरी तरीके से इरेडिकेशन ऑफ पेस्ट कर देंगे तो जो प्रेडेटर और प्रे रिलेशनशिप्स हैं वो मिट जाएंगे, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स भी, हमारे जो पेस्ट वाले इंसेक्ट हैं, जो हार्म पहुंचाने वाले इंसेक्ट हैं, उनके साथ में मर जाएंगे, और जो भी इनके कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस हमारे क्रॉपलैंड में इकोसिस्टम के अंदर हो रहे थे वो सारे खत्म हो जाएंगे. तो प्रेडेटरी और पैरासिटिक इंसेक्ट्स की भी डेथ हो गई, जो भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे थे वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. यही तो होता है, किसी भी इकोसिस्टम में जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी. ये चीज़ भी आप मेंशन कर सकते हो, अपने हिसाब से आंसर फ्रेम करो, बस आपको अपना पॉइंट बताना है, आपका पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए. तो यहाँ पर होलिस्टिक अप्रोच से क्या है, पूरी तरीके से अगर हम इरेडिकेशन करेंगे
तो हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स किल्ड अलोंग विद पेस्ट, पेस्ट के साथ साथ जो बेचारे कुछ नहीं कर रहे थे, हार्मलेस थे या बेनिफिशियल थे, वो भी मर जाएंगे. और उनके बीच में जो भी इंटरैक्शंस चल रही थी, हमारे क्रॉपलैंड का एक डाइवर्स इकोसिस्टम बना हुआ था. बिना बात के हम केमिकल इंसेक्टिसाइड अगर यूज करेंगे, बायो कंट्रोल एजेंट यूज नहीं करेंगे, हमारा पेस्ट स्पेसिफिक एप्लीकेशन नहीं करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स इन केमिकल से मर जाते हैं जिन्हें मारने की हमें ज़रूरत ही नहीं थी, जो हमें कोई हार्म ही नहीं पहुँचा रहे थे. हमारे क्रॉपलैंड में सिर्फ ये डाइवर्सिटी बढ़ा रहे थे, और डाइवर्सिटी जहाँ पर जितनी ज़्यादा होती है उस जगह पर सस्टेनेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होती है. अलॉन्ग विद पेस्ट हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट भी मर जाएंगे अगर हम इनडिस्क्रिमिनेटली अपने केमिकल इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करेंगे या पेस्टिसाइड्स को यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले तो हमने ये बताया कि अगर हमें अपने क्रॉप लैंड में, अपनी फील्ड के अंदर जो इकोसिस्टम बना हुआ है, एक डाइवर्स इकोसिस्टम है, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, तो हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते. क्योंकि ये हमें हमेशा पता होना चाहिए कि जहाँ पर डाइवर्सिटी है, जहाँ पर इकोसिस्टम डाइवर्स है, वो उतना ही सस्टेनेबल है. दूसरे पॉइंट में आप क्या मेंशन कर सकते हो? दूसरे पॉइंट में होलिस्टिक अप्रोच से क्या फायदा होता है ये बता दो. पहले तो होलिस्टिक अप्रोच क्यों रखनी चाहिए, हमें अपने क्रॉपलैंड के फ्लोरा एंड फौना के बारे में क्यों नॉलेज होनी चाहिए, एक नंबर में हमने ये पॉइंट बताया. दूसरे में जो भी हमारे फील्ड को इनहैबिट कर रहे हैं बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स, इनके अलग अलग लाइफ साइकिल हैं, पैटर्न ऑफ फीडिंग है, और इनको एक्सटेंसिवली स्टडी करके, इनको कंसिडर करके अगर हम डिसीजन लेंगे तो हमारे क्रॉपलैंड की जो हेल्थ है वो एनहांस हो जाएगी. तो यही इस तरीके से आपको अपना पॉइंट बताना है, चाहे किसी भी वर्ड्स में बताओ, लेकिन मेन चीज़ें कवर हो जानी चाहिए. तो यहाँ पर एक ऑर्गेनिक फार्मर की क्या अप्रोच होती है, एक ऑर्गेनिक फार्मर क्या सोचता है और किस तरीके से अपने फील्ड में डिसीजन लेता है, उसके बारे में आपको खाली शॉर्ट में बताना था. ये भी अपना क्वेश्चन हो गया. चलो भाई, अब यहाँ पे हमें केमिकल स्ट्रक्चर दिखाया और पूछ रहा है कि पहले तो इसको आइडेंटिफाई करो और फिर इसकी कोई तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज बताओ. तो सीधा सीधा आधा आधा नंबर तीनों चीज़ का मिल गया, नाम बताने का आधा नंबर और डेढ़ नंबर बन जाएगा हमारा तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज बताने का. तो हमारी एनसीईआरटी में जो हमें दे रखा है मॉर्फिन का स्ट्रक्चर, उसके अकॉर्डिंग मॉर्फिन को करेक्टली आइडेंटिफाई कर लेंगे. ओपियोइड ड्रग्स के बारे में जब पढ़ते हो तो एक तरह का ओपियोइड ड्रग ही है जो हमें पॉपी प्लांट से मिलेगा, पॉपी प्लांट के लेटेक्स से ये मॉर्फिन हमें मिलेगा. और फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी बताओगे तो सिंपली आपका शॉर्ट एंड स्वीट आंसर हो गया कि ये एक वाइट ओडरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, और दूसरे अलग अलग तरह के ओपियोइड ड्रग्स भी इसी को प्रोसेस करने के बाद बनाए जाते हैं. लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है, अपने को पता है, इसीलिए इसका यह मतलब नहीं है कि हम उसको वहाँ पे उड़ेल के आ जाएं. तो जितना पूछा गया शॉर्ट एंड स्वीट बताइए. मॉर्फिन आइडेंटिफाई करने का आधा नंबर और ये तीन वर्ड्स का आधा आधा नंबर, टोटल करके हमारा दो नंबर इसमें बन गया. चलो इसके बाद आगे बढ़े. तो ए बी और सी तीन पॉइंट पे वाटर का सैंपल हमने इकट्ठा किया. एक शुगर फैक्ट्री थी, वहाँ से जो है फैक्ट्री का एफ्लुएंट निकल के वाटर बॉडी में जा रहा था. तो ए बी और सी तीन पॉइंट हैं, यहाँ से हमने इकट्ठा किया. तो सबसे पहले रिस्पेक्टिवली यहाँ पर बीओडी का लेवल क्या है, ए पॉइंट पे 400, फिर बी पे 480 और सिर्फ 8 रह गया सी पॉइंट पे. तो ये किस चीज़ का इंडिकेशन है, और बीओडी लेवल पॉइंट सी पे जाके इतना कम क्यों हो चुका है, ये हमें बताना है. तो भाई डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पर शुगर फैक्ट्री से हमारा जो पानी निकला, शुगर फैक्ट्री से जो भी पोल्यूटेंट निकले, क्योंकि किसी फैक्ट्री में जो भी काम हो रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसे अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस तो बनते हैं, ऐसे बाय प्रोडक्ट तो बनते हैं जो कि यूजफुल नहीं है. अब उन्हें कहीं ना कहीं छोड़ना है. अगर गैशियस होता है तो हवा में छोड़ देते हैं, उससे एयर पॉल्यूशन होता है. अगर हमारा एफ्लुएंट जो है फ्लूइड फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, तो वाटर बॉडीज में उसको डिस्चार्ज कर देते हैं. तो यहाँ से डिस्चार्ज किया गया तो ए पॉइंट पे तो पॉल्यूशन का लेवल बहुत हाई होगा. और बीओडी क्या होता है भाई, जहां पर पोल्यूशन ज्यादा समझ लो वहां पर बीओडी ज्यादा. जितना गंदा पानी होगा उसका बीओडी उतना ही हाई होगा. तो इसीलिए हमने देखा कि ए पॉइंट पे तो बीओडी 400 था, बी यहां पर हमारे सीवेज डिस्चार्ज पॉइंट के बाद में आ रहा है, यानी
शुगर फैक्ट्री से जो एफ्लुएंट निकला उसकी वजह से ए पॉइंट पे हमारा बीओडी 400 हो चुका था, दोबारा से यहाँ पर सीवेज डिस्चार्ज कर दी गई रस्ते में, तो बी पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते सीवेज के पोल्यूटेंट्स के मिलने की वजह से पानी और गंदा हो गया, इसीलिए बीओडी 480 पहुँच गया। लेकिन जैसे जैसे रास्ते में जा रहा था पानी, बीच में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आ गया, यानी अब इस गंदे पानी को ट्रीटमेंट कर दिया गया है दो स्टेप्स में, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह का सीवेज ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद जो डिस्चार्ज किया जाएगा सीवेज सी पॉइंट पे आके, उसका बीओडी कंसिडरेबली कम होगा, क्योंकि वाटर को हमने जब ट्रीटमेंट प्लांट में एक बार ट्रीट कर दिया तो यानी उसकी सफाई हो गई है, उसमें पॉल्यूशन लेवल काफी कम हो गया होगा। तो यही रीजन है कि ए पॉइंट पे 400 था, इसके बाद सीवेज भी मिल गई और गंदा हो गया तो 480 हो गया, लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से होकर निकला तो बीओडी हमारा दोबारा नीचे हो गया, 8 पे पहुंच गया। समझ गए इसमें क्या हो रहा है? अब इन्होंने भाई कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम दे दिया हो, लेकिन पॉइंट जो है वो वही है, कॉन्सेप्ट जो है वही है, और बात वही पूछेगा जो आपने पढ़ रखी है। तो इसीलिए ये लंबी लंबी कहानियां देख के हम घबराएंगे नहीं। हमसे क्या पूछा है इसने? रीजन पूछा है। तो भाई दो नंबर में कितना ही रीजन बता दोगे, हल्का हल्का बस ये बता दो कि क्या रीजन है इन तीनों पॉइंट्स पे ये बीओडी अलग होने का। मेन कॉन्सेप्ट यही लेके चलो कि जहां पॉल्यूशन ज्यादा है, पानी जितना गंदा है उतना ही हाई उसका बीओडी होने वाला है। तो देखो किस तरीके से आंसर फ्रेम किया है। ए और बी पे बीओडी लेवल हाई है क्योंकि शुगर फैक्ट्री से ऑर्गेनिक पॉल्यूशन हुआ और सीवेज डिस्चार्ज हो गई पॉइंट बी से पहले, ये रीजन बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट चीज हमें क्या बतानी है कि बीओडी लेवल वापस पॉइंट सी तक पहुंचते पहुंचते रिड्यूस क्यों हो गया। तो रिड्यूस इसीलिए हो गया था क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकल कर आ रहा है, तो वही बात यहाँ पर हमें बतानी है, इतना लंबा लिखने की जरूरत भी नहीं है। वाटर इज रिलीज्ड आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जहां पर एरोबिक माइक्रोब्स की मदद से हमने जो भी पानी में ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट था उसको कंज्यूम करवा दिया, उसका लेवल घटवा दिया, और जब ऑर्गेनिक वेस्ट कम हो गया, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज कम हो गई, तो बीओडी कम हो गया। बीओडी कम है यानी अब हमारा पानी साफ है, कम पॉल्यूटेड है। तो इसके बाद हमारे रिवर वाटर में जो भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट थी, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट था, वो हमारे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान, हमारे सीवेज के माइक्रोबियल ट्रीटमेंट के दौरान वो कंज्यूम हो गया, उसका लेवल कम हो गया, और फाइनली सी पॉइंट पे आके हमारे बीओडी का लेवल रिड्यूस हो जाता है। तो अपने वर्ड्स में इसको फ्रेम करना है। यहाँ पे जो लिखा है ये इतना रेलेवेंट नहीं है, मेन बात ये है कि आपका जो पॉइंट है वो आपको गेट अक्रॉस करना है। जो भी आप चीज बताना चाहते हो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको यहाँ पर बतानी है। तो अपने वर्ड्स में अपना आंसर लिखो। कॉन्सेप्ट यही है कि पॉल्यूशन ज्यादा यानी बीओडी ज्यादा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से होके निकला तो पानी साफ हो गया। क्यों साफ होता है ये पूरा अगर आप सीवेज ट्रीटमेंट का अगर प्रोसेस बताने लगोगे तो एक नंबर के हिसाब से बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। इसीलिए शॉर्ट में बता दो कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है जिसमें माइक्रोब्स की मदद से ऑर्गेनिक वेस्ट का अमाउंट कम हो जाता है, ऑर्गेनिक वेस्ट कम हो गया तो बीओडी कम हो गया, इसीलिए पॉइंट सी पे बीओडी देख रहे हैं तो कम नजर आ रहा है। चलो इसके बाद अपने पास क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन ए थी जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज थी तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रही थी, लेकिन इसी जगह पे दो और पॉपुलेशन बी और सी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो एक स्पीशीज की एक पॉपुलेशन अनलिमिटेड रिसोर्सेज के साथ यानी फूड और स्पेस की बिना किसी कमी के बड़े आराम से मौज में रह रही थी, किसी के साथ कॉम्पिटिशन नहीं करना पड़ रहा है, आपस में फूड और स्पेस अनलिमिटेड है तो किसी के साथ फाइट किए बिना आराम से सब कुछ मिल रहा है। लेकिन दो और पॉपुलेशन यहाँ पे आ गई, पॉपुलेशन बी और सी। तो पूछ रहा है कि पॉपुलेशन ए के ग्रोथ पैटर्न पे इसका क्या इफेक्ट होगा अगर ए को बी और सी के साथ में रहना पड़ेगा। तो भाई देखो यहां पर ग्रोथ मॉडल्स की बात हो रही है, ग्रोथ मॉडल्स में इसने पहले तो बता दिया कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज थी, फूड और स्पेस की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही थी, यानी हमारा जे शेप्ड कर्व बना हुआ था, धड़ाधड़ मल्टीप्लिकेशन चल रही थी, रिप्रोडक्शन चल रही थी। जब रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है उनके लिए फाइट ही नहीं करना पड़ रहा, स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ रहा, तो रिप्रोडक्शन तो बहुत ही तेजी से होती है। लेकिन अब यहाँ पर जब बी और सी पॉपुलेशन आ गई तो सेम रिसोर्सेज ये भी शेयर करेंगी, उन रिसोर्सेज के लिए कॉम्पिटिशन करेंगी, और जब रिसोर्सेज के लिए कॉम्पिटिशन होने लगा तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो नहीं चल सकती। अब ग्रोथ को भी कंट्रोल में रहना पड़ेगा क्योंकि पॉपुलेशन अगर तेजी से बढ़ती चली जाएगी तो फूड और स्पेस की कमी होने लगेगी। तो बस यही बात हमें बतानी है कि जब कंपटीशन हो गया तो अब एक्सपोनेंशियल तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाएगी, जब रिसोर्सेज लिमिटिंग हो गई तो अब लॉजिस्टिक ग्रोथ होगी, जहां पर
हमारा सिग्मोइड या एस शेप कर्व बनेगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करके आप शॉर्ट में बता दो, देखो किस तरीके से आंसर फ्रेम किया है। इस तरह की इंटरेक्शन होगी, अगर नई पॉपुलेशंस को इंट्रोड्यूस कर दिया आपने हैबिटेट में तो कंपटीशन होगा सेम रिसोर्सेज के लिए, और जो फिटेस्ट इंडिविजुअल है, फिटेस्ट मतलब जो कि अच्छी एफिशिएंसी से अच्छे तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पा रहे हैं और बाकियों के कंपैरिजन में रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की एबिलिटी उनमें ज्यादा है, वही सर्वाइव करेंगे, वही रिप्रोड्यूस करेंगे। नेचुरल सिलेक्शन का प्रिंसिपल तो यही कहता है। तो ये यहाँ पे बोला कॉम्पिटिशन हो गया क्योंकि अब रिसोर्सेज लिमिटिंग हो गई हैं, और जब रिसोर्सेज अपनी लिमिटिंग हो गई तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के हिसाब से पॉपुलेशन की ग्रोथ नहीं हो सकती है। अब हम लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल पे आ जाएंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ विल बिकम रियलिस्टिक। ये अपने को मेंशन करना है कि अब लॉजिस्टिक मॉडल के हिसाब से ग्रोथ होगी क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटिंग है, और इसीलिए एक्सपोनेंशियल तरीके से तेजी से बिल्कुल अंधाधुंध तरीके से पॉपुलेशन नहीं बढ़ सकती है। तो यही चीजें हमें इसमें मेंशन करनी थी। चलो इसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा कि फिग स्पीशीज की पॉपुलेशन कम होने की वजह से, फिग ट्री की पॉपुलेशन कम होने की वजह से वास्प स्पीशीज की भी पॉपुलेशन कम हो गई, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है और वास्प की पॉपुलेशन क्यों डिक्लाइन हुई। भाई एक पेड़ की पॉपुलेशन कम होने की वजह से किसी इंसेक्ट की पॉपुलेशन क्यों अफेक्ट हो रही है, क्योंकि भाई एक इकोसिस्टम के अंदर ये मिलकर रहते थे तो आपस में इंटरेक्शन करते थे, आपस में इनके क्लोज एसोसिएशन बनी हुई थी, इन दोनों के बीच में म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप था, जिस तरह कई प्लांट और पॉलिनेटर्स के बीच में होता है। कोई कोई प्लांट अपनी पॉलिनेशन सिर्फ उस चुनिंदा इंसेक्ट से, उस एक ही स्पीशीज से करवाएगा, और इसीलिए क्लोज रिलेशनशिप दोनों के बीच में बन जाता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो यही यहाँ पे होता है हमारे फिग ट्रीज के केस में। आप देखोगे कि जो पर्टिकुलर उसको पॉलिनेट करने वाला मॉथ है सिर्फ वही उसका पॉलिनेटिंग एजेंट होता है एक्सक्लूसिवली। तो अगर ट्री की पॉपुलेशन कम हुई, क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं, क्लोजली एसोसिएटेड रहते हैं म्यूचुअलिज्म में, म्यूचुअलिज्म मतलब म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन, दोनों को ही फायदा हो रहा है, दोनों ही इससे बेनिफिट कर रहे हैं, तो दोनों का क्या रिलेशनशिप है ये आपने बता दिया कि ये दोनों प्लांट और पॉलिनेटर का एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप शेयर करते हैं, इस तरह की इंट्रैक्शन होती है दोनों के बीच में, क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। फिग वास्प के ऊपर पॉलिनेशन के लिए डिपेंड करता है और वास्प भी फिग पे डिपेंड करता है, क्योंकि पॉलिनेशन करने के बदले में ये जो फिग ट्री है ये इस वास्प को अंडे देने के लिए, ओविपोजिशन के लिए, फूड एंड शेल्टर के बजाय हम स्पेसिफिकली अगर कहेंगे ओविपोजिशन, साइट फॉर ओविपोजिशन, तो ये ज्यादा सही हो जाएगा। और जब उसके लार्वा उसके एग्स में से निकल के आते हैं तो इस फिग के जो सीड्स हैं उनको वो न्यूट्रिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, लार्वा को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। तो देखो अपनी पॉलिनेशन तो फिग ट्री करवा रहा है लेकिन बदले में अपने पॉलिनेटर वास्प को एग्स ले करने के लिए सेफ स्पेस दे रहा है अपने फ्रूट के अंदर, और फ्रूट की डेवलपमेंट हो जाती है जब उसके एग में से भी, मौत के एग में से भी लार्वा निकल के आ जाते हैं, यंग वंस निकल के आ जाते हैं, तो उन लार्वा को फीड करने के लिए अपने सीड्स भी प्रोवाइड करता है। तो यही रीजन है दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हो गए, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए, और इसीलिए फिग ट्री की पॉपुलेशन डिक्लाइन होने की वजह से वास्प भी पॉपुलेशन हमारी एडवर्सली अफेक्टेड हो जाएगी। ये बातें हमें बतानी थी। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन हमें क्या दे रहा है, कह रहा है कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एंटार्क्टिका में रहने वाले जो हैं, एंटार्क्टिका के इनहैबिटेंट्स हैं, वो टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन फेस कर रहे हैं, तो रेगुलेटर और कन्फर्मर में से सर्वाइवल के चांसेस किसके ज्यादा हैं, और हमें दो एडेप्टेशंस बतानी है जो कि अपनी एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए इनकी हेल्प करती है। तो भाई कन्फर्मर का मतलब है कि जो अपनी होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं कर सकता है, कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट मेंटेन करना उसके बस की बात नहीं है, तो अगर हमारी एम्बियंट कंडीशंस, हमारी एनवायरमेंटल कंडीशंस ड्रास्टिकली चेंज हो रही हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कन्फर्मर वहां पर कुछ भी नहीं कर पाएगा, सिंपली उसकी इंटरनल एनवायरमेंट भी एक्सटर्नल एनवायरमेंट के साथ साथ ही बदलती है। तो ज्यादा चांस ऑफ सर्वाइवल किसका है, जो कि अपनी होम्योस्टेसिस मेंटेन कर सकता है। तो भाई आधा नंबर तो अपने पास हुआ ये बताने का कि हमारे कॉन्फॉर्मर रेगुलेटर में से कौन बचेगा, तो ऑब्वियसली रेगुलेटर के सर्वाइव करने के चांस है जो कि होम्योस्टेसिस मेंटेन करने की एबिलिटी रखता है। इसके बाद उसने क्या पूछा कि किस तरीके से इसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हैं, ऐसा ये क्या क्या करेगा। तो
होम्योस्टेसिस में दो चीजें आ जाती है, एक तो थर्मोरेगुलेशन यानी चेंजिंग एक्सटर्नल टेम्परेचर के बावजूद भी अपने बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट मेंटेन करके रखना, और दूसरी चीज ऑस्मोरेगुलेशन यानी आउटसाइड एनवायरमेंट की चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन के बावजूद भी अपने बॉडी फ्लूइड्स की, अपने बॉडी के अंदर की ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को कॉन्स्टेंट रखना। तो थर्मोरेगुलेशन और ऑस्मोरेगुलेशन, ये दोनों चीजें जब हमारा एक रेगुलेटर करता है तो कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट मेंटेन कर पाता है, सर्वाइव कर पाता है ड्रास्टिकली चेंजिंग एक्सटर्नल कंडीशंस के बावजूद। और इसका एग्जांपल बर्ड और मैमल में से कोई भी दे दो, बर्ड्स और मैमल्स दोनों ही ऐसे हायर एनिमल्स हैं जो वार्म ब्लडेड होते हैं, जो थर्मोरेगुलेशन और ऑस्मोरेगुलेशन की एबिलिटी रखते हैं, एक्सटर्नल कंडीशंस चाहे बदलती रहे फिर भी इंटरनल एनवायरमेंट उनका कॉन्स्टेंट मेंटेन रहता है। तो इसका आधा आधा नंबर हमें मिलता है और सीधा सीधा ये वन वर्ड आंसर देके हमारे दो नंबर बन जाते हैं। तो इस तरीके से सिर्फ मेन पॉइंट्स पे फोकस करते हुए, सिर्फ कीवर्ड्स पे फोकस करते हुए हमें अपना आंसर फ्रेम करना है। चलो भाई सेक्शन बी पे आ जाते हैं जिसमें तीन तीन नंबर के क्वेश्चन है। अब सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है कि जो नॉर्मल सेल्स हैं ये कैंसरस या नियोप्लास्टिक सेल्स में कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, और हमें इस इंड्यूसिंग एजेंट के तीन एग्जाम्पल देने हैं। तो भाई एग्जैक्टली कैंसर क्यों होता है इस पर तो अभी भी रिसर्च चल रही है, काफ़ी इंटेंस रिसर्च चल रही है, लेकिन हमारी बुक में जो हमें लिमिटेड बताया उसके हिसाब से अपना आंसर हम दे देंगे कि एक नॉर्मल सेल जो नियोप्लास्टिक बन जाता है, कैंसरस बन जाता है, लगातार सेल डिवीजन करना शुरू कर देता है, तो ये डीएनए में होने वाले डैमेज या म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, जो कि किसी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल म्यूटाजेनिक एजेंट के कारण हो सकता है। तो इसके क्या एग्जाम्पल दिए, फिजिकल म्यूटाजेन में आप डाल दोगे रेडिएशंस, आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग दोनों तरह की रेडिएशंस आप मेंशन कर दोगे, केमिकल कार्सिनोजेन, कुछ ऐसे केमिकल्स जो कि हमारे सेल्स में ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ऐसे चेंजेस ला सकते हैं कि वो सेल कैंसरस सेल बन जाए, इसका एग्जाम्पल आप दे दोगे टबेको स्मोक में, इस तरह के कार्सिनोजेन्स होते हैं। और बायोलॉजिकल एजेंट में आप सेलुलर ऑन्कोजीन्स को इंक्लूड कर लो, ऑन्कोजीन्स हमारे डीएनए में प्रेजेंट ऐसी जीन्स हैं जो कुछ कंडीशंस के अंडर एक्टिवेट होके हमारे सेल्स की कैंसरस ग्रोथ को स्टार्ट करवा सकती हैं। तो ये तीनों तरह के ही यहाँ पे एजेंट हमने इंक्लूड कर लिए एक नॉर्मल सेल को जो कैंसर सेल बना सकते हैं। तीन तरह के एजेंट हो सकते हैं, एक तो फिजिकल एजेंट जैसे किसी ऐसी रेडिएशन से एक्सपोज हो गए कि डीएनए में चेंजेस आए और सेल कैंसरस ग्रोथ करने लगा, फिर कुछ केमिकल कंपाउंड्स भी ऐसे हो सकते हैं जो कि सेल को कैंसरस बना सकते हैं, इस तरह के चेंजेस ला सकते हैं कि सेल ट्रांसफॉर्म हो जाए, और बायोलॉजिकल एजेंट में हमारी अपनी सेलुलर ऑन्कोजीन्स हम कंसिडर कर लेंगे। इसमें यहाँ पर हमें अगेन इंटरनल चॉइस दी हुई थी। दूसरे ऑप्शन में हमें क्या दिया है कि अगर एक पर्सन को हाई ग्रेड फीवर है, हाई फीवर है, तो ऐसे केस में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये टाइफॉइड से सफर कर रहा है, निमोनिया से या मलेरिया से। तो ये तीनों ही डिजीजेस के बारे में हमारे बुक में मेंशन है और इनके सिम्टम्स भी बताए हैं। तो फीवर के साथ साथ दूसरे कौन से सिम्टम्स होते हैं जो उसे अकंपनी करते हैं, किस तरीके से इन तीनों डिजीजेस को हम डिस्टिंग्विश करेंगे, खाली इनके सिम्टम्स यहाँ पर हमें बताने हैं और तीन नंबर हमें मिल जाएंगे। तो देखो यही यहाँ पे बता रखा है, अगर सस्टेन्ड फीवर है लगातार, उसके साथ में अगर वीकनेस है, स्टमक पेन है, कॉन्स्टिपेशन है, लॉस ऑफ एपिटाइट है, हेडेक है, तब तो समझ लो कि टाइफॉइड है, टाइफॉइड के सिम्टम्स बता दिए हमने। अगर आपको फीवर के साथ चिल्स हैं, कफ है, हेडेक है, हमारे लिप्स और फिंगर नेल्स जब ग्रे या ब्लूइश होने लगते हैं, तो ये सारे सिम्टम अगर फीवर के साथ में आ रहे हैं तो निमोनिया समझ लो। और मलेरिया कब बोलोगे, जब चिल्स और हाई फीवर है जिसकी साइकिल चल रही है, यानी हर 3 से 4 दिन में फीवर रिपीट हो रहा है, तो मलेरिया को इससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो तीनों डिजीजेस के सिम्टम्स खाली इसने पूछे हुए थे कि फीवर के अलावा और क्या क्या होता है जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये हमने बता दिया। चलो इसके बाद पूछ रहा है कि एक एंटीजेनिक प्रोटीन के रिकॉग्निशन के लिए यहां पर कितने डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्स एलिसिट हो सकते हैं।
कई तरह का इम्यून रिस्पॉन्स हो सकता है। हमारी बॉडी में जब कोई पैथोजन एंटर करता है तो मेनली दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक तो हो सकता है कोई ऐसा जो हम आया हो जिसको हमारा शरीर पहचानता ही नहीं है, बिल्कुल रिकग्नाइज ही नहीं करता, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो उसके अगेंस्ट फाइट करने में तो हमें टाइम लग जाएगा। पहले हम उसको देखेंगे, हमारे इम्यून सिस्टम उसको पहचानेगा, तब जाके धीरे धीरे उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगा। तो ये हमारा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो कम इंटेंसिटी का होता है और स्लो होता है। लेकिन अगर कोई घूमते फिरते ऐसा जर्म हमारी बॉडी में आ गया जो पहले भी आ चुका है, तो हमारे इम्यून सिस्टम के पास होती है उसकी मेमोरी। हमारे इम्यून सिस्टम को पता लग जाएगा कि ये तो पहले भी आया था डिजीज कॉज करने के लिए, और वो उसको पहचान के पिछली बार जो एंटीबॉडीज बनाए थे उसी हिसाब से जल्दी 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 बहुत सारे एंटीबॉडीज बना के उसको ओवर पावर कर देगा। तो ये हमारा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, जो कि जब दूसरी बार हम किसी पैथोजन को एनकाउंटर करते हैं, पहले से ही उसको पहचानते हैं, तो जल्दी से उसको काउंटर करने के लिए हम अपना एक बहुत ही फास्ट और हाई इंटेंसिटी का इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं। तो यही पूछ रहा है कि अगर कोई पैथोजन शरीर में आ गया तो डिफरेंट टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स क्या एलिसिट होते हैं, यही हमें यहाँ पे बताना था। जब कोई एंटीजेनिक प्रोटीन या कोई पैथोजन पहली बार आ रहा है तो लो इंटेंसिटी का और एक स्लो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जिसको हम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कह देंगे। लेकिन अब हमारी बॉडी को इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई, हमारी बॉडी ने इसको पहचान लिया, तो हमारा जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है, यहां पे मेंशन करेंगे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स स्लो होता है, लो इंटेंसिटी का होता है, और वो तब होता है जब हम किसी पैथोजन को पहली बार एनकाउंटर कर रहे हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम। दूसरी बार में जो एनकाउंटर होगा, दोबारा से अगर वही जर्म हमारी बॉडी में आ गया तो सब्सिक्वेंट एनकाउंटर में क्या होगा, हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स आएगा, बड़ी तेजी से आएगा, और अपने लिम्फोसाइट्स की मदद से, बी और टी लिम्फोसाइट्स की मदद से, ये हमारा ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, जहां पर एंटीबॉडीज नाम के प्रोटीन्स की आर्मी हमारे ब्लड में रिलीज हो जाएगी, और जहां पर भी वो जर्म मिला उसको पकड़कर उसको फाइट करेंगे, उसको खत्म कर देंगे। तो ये हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो गया। और फाइनली किस तरीके से ये रिस्पॉन्स एलिसिट किया जाता है, तो खाली हमें ये बताना है एंटीबॉडीज के बारे में कि एंटीबॉडी समझ लो एक आर्मी ऑफ प्रोटीन्स है जो कि डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को, पैथोजेंस को फाइट करने के लिए हमारे शरीर में हमारे बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। B lymphocytes produce an army of proteins, और T lymphocytes जो हैं ये B cells की help करते हैं इसी काम में। तो ये सारी चीजें हमें बतानी थी। 3 नंबर का अपना question इससे कवर हो गया, 3 नंबर पक्के हो गए, बस यही 2-3 बातें बता के, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, और इसमें होता क्या है, किस तरीके से हमारी बॉडी जर्म्स को फाइट कर रही है एंटीबॉडीज बना के, ये सारी बातें इसमें हमें मेंशन करनी थी। फिर क्या पूछ रहा है कि एक पैथोलॉजिकल लैब में हम एक पर्टिकुलर जीन ढूंढने के लिए कई सारे स्टेप्स ले रहे हैं, तो या तो हमें ये स्टेप्स बताने हैं या एक फ्लो चार्ट बताना है, तो एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई करने के लिए क्या यूज करते हैं, यहां पर हमें पीसीआर के बारे में बताना है भाई, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो देखो स्टेप्स डिस्क्राइब करना काफी इजी हो जाता है, अगर पीसीआर का डायग्राम बनाने निकलोगे तो फालतू में टाइम वेस्ट होगा। इसने ये चॉइस इसीलिए दी है कि कोई अगर फ्लो चार्ट बनाने बैठ जाए, कोई डायग्राम बनाने बैठ जाए, तो उस बेचारे का काम खराब हो जाए। तो आपको दोनों में से हमेशा सही चॉइस ही सिलेक्ट करनी है। स्टेप्स डिस्क्राइब करोगे तो खाली 3 स्टेप हैं, सीधे सीधे एक एक लाइन लिखोगे, थोड़ा थोड़ा बताओगे, 3 नंबर मिल जाएंगे। और अगर ये फ्लो चार्ट बनाने निकल गए तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, इसीलिए हम तो भाई अपना पहला ही ऑप्शन चूज करेंगे। पहला स्टेप हो गया डीनेचुरेशन का, जहां पर डीएनए स्ट्रैंड्स जब हाई टेम्परेचर पे जाते हैं तो सेपरेट हो जाते हैं। दूसरा अनीलिंग, यानी जो प्राइमर है वो डीएनए के साथ जुड़ जाते हैं। और तीसरा स्टेप एक्सटेंशन का, जहां पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से एक्सटेंशन हो रही है, यानी यहां पर जिस जीन को हम ढूंढ रहे हैं उसकी एम्पलीफिकेशन कर दी ताकि उसको ढूंढना आसान हो जाए। तो पीसीआर के बारे में खाली इतना सा मेंशन कर दो, पीसीआर बोल दो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन फुल फॉर्म बता दो, बाकी ये अपने 3 पॉइंट्स हैं
जिसके सीधे सीधे तीन नंबर हमें मिल जाएंगे। इस तरह का कोई ऑप्शन अगर दिया हो तो हमेशा स्मार्ट चॉइस करना और शुरू में ही पेपर लिखना शुरू करने से पहले ही डिसाइड कर लेना, रीडिंग टाइम में डिसाइड कर लेना कि दोनों में से कौन सा काम करना है। इसके बाद इवल क्वार्टेट के बारे में पूछ लिया, कह रहा है कि इवल क्वार्टेट स्पीशीज एक्सटिंक्शन क्यों हो रही है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, ये डिस्क्राइब करता है। तो हमें ये बताना है कि ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशंस फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट से किस तरह से अफेक्टेड होती हैं। तो भाई देखो, इवल क्वार्टेट में सबसे पहला जो रीज़न होता है स्पीशीज लॉस का, बायोडाइवर्सिटी लॉस का, वो होता है हैबिटेट लॉस। लेकिन इसमें हमें हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन या डिग्रेडेशन की बात नहीं करनी, इसमें खाली फ्रेगमेंटेशन के बारे में पूछ रहा है, यानी हैबिटेट को पूरा तबाह नहीं किया गया है लेकिन कुछ टुकड़ों में बांट दिया है, उसके बीच बीच में हमने कुछ एक्टिविटीज़ कर दी कि वो टुकड़ों में बट गया। तो इससे क्या नुकसान होता है? भाई दो नुकसान होते हैं, हमारी बुक में ये मेंशन भी किया है। जब एक लार्ज हैबिटेट को हम स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर देंगे, फ्रेगमेंटेशन कर देंगे, तो दो तरह के एनिमल्स को नुकसान होगा। एक तो वो जिन्हें लार्ज टेरिटरीज चाहिए होती हैं, जिन्हें रहने के लिए काफ़ी बड़ी जगह चाहिए होती है, और दूसरे वो जिनकी माइग्रेटरी हैबिट्स हैं। तो ये दो तरह की स्पीशीज बहुत ही बैडली अफेक्टेड होंगी, बस यही हमें बताना है। एक नंबर अपने को मिल गया। चलो दूसरे पॉइंट में क्या पूछ रहा है, एक एलियन स्पीशीज के इंट्रोडक्शन की वजह से इंडिजिनस स्पीशीज को डैमेज हो रहा है, तो हमें इसका एग्जाम्पल देना है। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास में हैं, कोई भी एक आप मेंशन कर सकते हो, सारे आपको पता भी हो तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ ये तो मुझे आता है, फूले नहीं समाए और सबका सब लिख डाला। एक नंबर के लिए एक नंबर लायक ही लिखो। तो इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। नाइल पर्च को जब लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस किया गया, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है कि 200 स्पीशीज ऑफ फिश इस एक फिश ने ख़त्म कर दी, क्योंकि एलियन स्पीशीज का इन्वेजन हो गया, कोई अचानक से नई स्पीशीज इकोसिस्टम में लेकर आ गए जो बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी, और वहां की जो लोकल स्पीशीज थी उनका उसने पॉपुलेशन कम कर दिया। तो नाइल पर्च ने सिकलेड फिश की 200 स्पीशीज खत्म कर दी। उसी तरीके से पार्थिनियम, लैंटेना, वाटर हाइसेंस जैसे प्लांट्स जो हैं ये भी इन्वेजिव वीड्स बन गए हैं, और ये नेटिव प्लांट स्पीशीज को परेशान करते हैं, बड़ी तेजी से फैल जाते हैं और लैंड एरिया को कवर कर लेते हैं। और उसी तरीके से अफ्रीकन कैटफिश जो हमारी रिवर्स में इंट्रोड्यूस की गई है, वो इंडिजिनस कैटफिशेस को नुकसान पहुंचा रही है। तो इसमें से कोई भी एक एग्जांपल हम बता सकते हैं। फाइनल हमसे पूछ रहा है कि स्टेलर सीकाओ और पैसेंजर पिजन की एक्सटिंक्शन को कैसे रोका जा सकता था। तो बिल्कुल ये सही बात है, ह्यूमंस की ओवर एक्सप्लॉयटेशन ही इन दोनों स्पीशीज की एक्सटिंक्शन का कारण है। ह्यूमन बींग्स जब अपनी ग्रीड के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को, किसी एक स्पीशीज को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये नहीं सोचते कि इसकी पॉपुलेशन कितनी कम हो रही है या किस तरीके से पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही है, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण स्पीशीज एक्सटिंक्ट भी हो जाती हैं। तो बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ही एक्सटिंक्ट हुए थे। ह्यूमन बींग्स इसे रोक सकते थे, और किस तरीके से रोक सकते थे? अगर इनको जुडिशियसली यूज़ करते, सस्टेनेबली यूज़ करते, ओवर एक्सप्लॉयट करने के बजाय, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करने के बजाय। तो यही खाली हमें बताना था। इसके बाद देखो, हमें इमेज दिखाई हुई है सेक्रेड ग्रोव की। तो अब यार पेपर लिखते टाइम हमें इमेज से तो कोई मतलब नहीं है, हमें बस यहाँ पे सेक्रेड ग्रोव दिया है, और क्या पूछ रहा है वो देख लो। पूछ रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स ने इन सेक्रेड ग्रोव्स की मदद से किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स को प्रोटेक्ट किया है। तो भाई ये इंडिजिनस कम्युनिटीज की एफर्ट्स की वजह से सेक्रेड ग्रोव्स बने हैं। कुछ रिलीजियस वैल्यूज, कुछ स्पिरिचुअल वैल्यूज इंडिया में ऐसी हैं, कुछ ऐसे नेटिव लोग रहते हैं जो कि नेचर को पूजते हैं, फ्लोरा एंड फौना को रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही लोगों ने कुछ फॉरेस्ट एरियाज को अलग करके उनको टोटल प्रोटेक्शन दे दी है, और उसके अंदर जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको 100% प्रोटेक्शन दी जाती है, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता, और वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी लॉस भी नहीं होता है। वहाँ पर जो भी हमारे फ्लोरा एंड फौना है वो बिल्कुल सेफ रहते हैं। तो यही हमें बताना है रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशंस के बारे में, जहाँ पर कई कल्चर्स में ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट आर सेट असाइड, और इसके अंदर जो भी ट्रीज और वाइल्ड लाइफ हैं, जो भी फ्लोरा एंड फौना है, इन्हें टोटल प्रोटेक्शन दी जाती है। ये खाली हमें मेंशन करना था। इसके बाद हमसे पूछ रहा है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में। रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है, वैल्यू ऑफ जेड है, ये हमने एक जगह पर 0.7 देखी एरिया ए में, दूसरी जगह पर 0.15 देखी। तो हायर स्पीशीज रिचनेस कहाँ पर होगी और स्टीपर स्लोप कहाँ पर है? तो भाई जहाँ पर हमारा स्लोप ऑफ लाइन हमारी स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की इक्वेशन में, जेड किसे रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ लाइन को। क्या इक्वेशन होती है भाई हमारी?
स्पीशीज एरिया रिलेशन में एस इक्वल्स टू सी ए टू द पावर जेड, तो इसमें जेड स्लोप ऑफ लाइन है. और ज्यादातर हम स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप में ये पैटर्न देखते हैं कि पॉइंट वन से पॉइंट टू के बीच में जेड की वैल्यू रहनी चाहिए, लेकिन इस रेंज से बाहर वैल्यू तब निकलती है जब हम एक बहुत ही बड़ा एरिया कंसिडर कर रहे हैं, पूरा का पूरा सपोज कॉन्टिनेंट हमने ले लिया, तो फिर ये वैल्यू हमारी बढ़ जाती है पॉइंट टू से ज्यादा, वन से भी ऊपर जा सकती है. लेकिन हमें वहां पे समझ आ जाएगा जैसे ही हम इतना स्टीप स्लोप देखेंगे, जैसे ही हम जेड की वैल्यू इतनी ज्यादा देखेंगे, तो समझ जाएंगे कि बहुत बड़ा एरिया कंसिडर किया हुआ है. तो इसमें दो चीजें पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा है कि स्पीशीज रिचनेस किसकी ज्यादा है. अब यहां पर बी केस में हमारा जो जेड की वैल्यू है नॉर्मल है, पॉइंट वन और पॉइंट टू के बीच में ही है, तो यहां पर तो बहुत बड़ा एरिया हमने नहीं लिया. लेकिन पॉइंट सेवन जहां पे वैल्यू पहुंच गई, हम समझ जाएंगे कि हमने बहुत बड़ा एरिया कंसिडर कर लिया होगा. और जब एरिया इतना बड़ा है तो स्पीशीज रिचनेस उसमें भी बी के कंपैरिजन में ज्यादा ही होगी. तो स्पीशीज रिचनेस हमारे ए के केस में ज्यादा है. और स्टीपर स्लोप कहाँ पे है, स्टीपर स्लोप भी यहाँ पर ही हमें नजर आ रहा है, इसीलिए जेड की वैल्यू बढ़ गई है. तो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है. स्पीशीज रिचनेस भी और स्लोप की स्टीपनेस भी हमारे एरिया ए में ज्यादा हो जाएगी. चलो भाई, इसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हमें इमेज दिखा रहा है जिसमें डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हो रहे हैं. डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने का ही तो ये प्रोसेस होता है. और इसमें होता ये है कि जो बहुत ही बड़े साइज का होता है वो पीछे रह जाता है और जो छोटे साइज के होते हैं वो आगे निकल जाते हैं. इसी तरीके से हम डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट्स को एक दूसरे से अलग करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान. तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे 3000 बेस पेयर तक की जो है हमें मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ मिल रही है. तो जो हमें ऊपर की तरफ दिखेंगे हमारे इस इमेज में, जो ऊपर की तरफ दिखेगा समझो भारी है, और जो नीचे की तरफ हमें दिख रहा है वो काफी लाइट होगा. तो इसमें से कौन सा बैंड, चारों में से कौन सा बैंड है जो 2500 बेस पेयर का है और कौन सा 100 बेस पेयर का हो सकता है. तो देखो भाई, जो सबसे भारी नजर आ रहा है, जो सबसे ऊपर रह गया है, वो हमारा 2500 बेस पेयर्स का हो सकता है, इसका चांस है. और जो सबसे हल्का है वो नंबर 4 का हमारा 100 बेस पेयर का होगा. इसके बाद क्या पूछा है इसने कि इस तरह की सेपरेशन किस बेसिस पे हो रही है और इस प्रोसेस की सिग्निफिकेंस क्या है. तो भाई देखो, बैंड 3 हमारा 2500 बेस पेयर का सबसे भारी और सबसे छोटा हमारा 100 बेस पेयर का हो गया. अब किस तरीके से ये सेपरेशन हो रही है, हमारे डीएनए फ्रेगमेंट के साइज के बेसिस पे डीएनए हमारे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में सेपरेट होता है. तो रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शॉर्टर फ्रेगमेंट्स मूव फादेस्ट और जो लाइटर है वो फार्देस्ट चला जाएगा और जो सबसे भारी है, सबसे बड़ा फ्रेगमेंट है, वो पीछे रह जाएगा. तो इसी तरीके से सेपरेशन हो रही है. और सिग्निफिकेंस क्या है भाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेट क्यों कर रहे हैं, ताकि हमने जो डीएनए ऑब्टेन किया है उसमें से अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमें चाहिए वो हमें मिल सके. प्योरीफाई कर रहे हैं हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को, टुकड़ों को अलग अलग कर रहे हैं. रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऑब्टेन करने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में हमने बता दिया. अब आ जाओ भाई सेक्शन सी पे. अब इसमें वैसे तो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, लेकिन एक सिंगल क्वेश्चन 5 नंबर का नहीं होगा, उसमें 5 पार्ट होंगे एक एक नंबर के. तो सेक्शन सी वैसे तो ऐसा लगता है कि हमारे पेपर का ये फाइनल चरण है, अंतिम चरण है, सबसे मुश्किल होने वाला है, लेकिन असल में इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट है नहीं. हाँ ये बात है, अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी अच्छे से नहीं आती है तो आपको इसमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बायोटेक के चैप्टर से ही सेक्शन सी का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, पूरी पूरी यही संभावना है. तो बायोटेक में अगर कोई भी डाउट है, कल ही हमने पूरे दिन लग के अपने टर्म टू का सिलेबस पढ़ा है, पूरे दिन मैराथन किया था, तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हो. आपको वहां पर टर्म टू के पूरे पूरे सिलेबस की एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगी.
कोई भी डाउट है तो वहां पे क्लियर करो, उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो यहाँ पर कमेंट्स में मेरे साथ फीडबैक जरूर शेयर करो। चलो फिलहाल हम देख लेते हैं सेक्शन सी में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। एक पैराग्राफ हमें दिया होगा और उसी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। और हाँ, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी हमें चॉइस मिल सकती है, और लगा के 2 चॉइस मिल सकती है, तो उसमें से भी कौन सा हमें अटेम्प्ट करना है वो हम अपने हिसाब से देख लेंगे। हालांकि होगा वो बायोटेक से, इसके ज्यादा चांसेस हैं, तो बायोटेक भी अच्छे से आना चाहिए हमें। देखो बोल रहा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स पे, डबल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर इसे कट कर देते हैं और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के रीजन्स बच जाते हैं एंड में। तो बैम H1 हमें नाम बताया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, ये इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस बताया है। इस साइट पर आके ये कट मारता है 5' वाले ग्वानिन के जस्ट बाद, है ना। तो ये 5' एंड पे जहाँ शुरू में ग्वानिन है, इसके जस्ट बाद ये हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट मार देगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का काम ही यही होता है, डीएनए को कट करना, डीएनए के लिए सिजर्स की तरह काम करते हैं। तो एक पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, हमारे पूरे डीएनए की लेंथ को इंस्पेक्ट करने के बाद उसी जगह पे जाके ये अपना कट मारेंगे। तो पूछ क्या रहा है कि इस एक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो हम अपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से डीएनए को कट करवा रहे हैं इसका फायदा क्या है, क्योंकि भाई हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑब्टेन करनी है। पूरे के पूरे डीएनए से हमें मतलब नहीं है, हमें कोई एक पर्टिकुलर जीन चाहिए जो एक प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो इसीलिए ये हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हम यूज कर रहे हैं डीएनए पे रिलेवेंट लोकेशन पे कट लगाने के लिए। हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर में कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी यहाँ पर हमें एक नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। और फिर हमें डीएनए की जो सीक्वेंस है वो यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड्स की बता दी, और हमसे ये पूछ रहा है कि अगर हम बैम H1 से इसको कट करेंगे तो हमें कितने फ्रेगमेंट मिलेंगे, और हमें इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की कट करने के बाद क्या सीक्वेंस होगी ये बतानी है। तो भाई दोनों ही स्ट्रैंड्स को ये काट देगा। इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, देखो इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस ये हो गया, रिकॉग्निशन सीक्वेंस यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। और कट कहाँ पे मारेगा, कट ये मारता है इस जी के बाद। तो देखो जहां पर भी इसको ये सीक्वेंस मिलेगा, यहाँ पर ये इस जगह पे इसको मिल गया जी जी ए टी सी सी, तो यहीं पे कट मार देगा, पहले जी के बाद में कट मार देगा, ये 2 फ्रेगमेंट्स में बढ़ जाएगा। और उसी तरीके से 5' से 3' की तरफ यहां पर बढ़ेगा, और यहां पर भी उसको अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल गया, तो पहले जी के बाद कट मार देगा। तो कट कहां पर मारेगा ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस डिसाइड करेगा। तो यहां पर हमें लोकेशन तो पता लग गई, अब हमें खाली अपने आंसर में यही बताना है कि बीच से अगर ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड कट गया तो कितने स्ट्रैंड हमें मिलेंगे, उनमें क्या क्या सीक्वेंस रहेगा। तो सीक्वेंस तो बदलेगा नहीं, बस यही हो जाएगा कि बीच से कट जाने की वजह से एक की जगह 2 टुकड़े बन जाएंगे। इसके बाद हमें करेक्ट पोलैरिटी के साथ ये अपने फ्रेगमेंट्स बताने हैं। फिर हमसे कह रहा है कि ई कोलाई में हमने एक जीन एम इंट्रोड्यूस की, ई कोलाई के क्लोनिंग वेक्टर PBR322 में, जिसके बारे में हमें एनसीईआरटी में बताया भी हुआ है, इसकी बैम H1 साइट पे, तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स पे क्या अंतर पड़ेगा इस तरीके से, इस साइट पे ये जीन इंट्रोड्यूस करने से किस तरीके से हमारा ये प्लाज्मिड चेंज होगा। तो भाई देखो किस तरीके से आंसर हमें फ्रेम करना है। पहले तो इसका पर्पस क्या है, इसने पूछा था कि इस एक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऑब्टेन करने के लिए हम डीएनए में कट लगा रहे हैं। और यहाँ पर इसने किस तरीके से फ्रेम किया आंसर को, देखो कि दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स के पास कंपैटिबल एंड्स होंगे आपस में कंबाइन होने के लिए। कंबाइन होने के लिए मतलब ये बेसिकली स्टिकी एंड्स की बात कर रहा है, कि जो हमने डीएनए में कट मारा उसको ले जाके हमें कहीं और पे चिपकाना भी तो है, किसी दूसरे जेनेटिक मटेरियल में, किसी दूसरे जीनोम में उसको हमें इंट्रोड्यूस भी तो करना है। तो स्टिकी एंड का रीजन यही हो गया कि हम कंपैटिबल एंड की मदद से रिकम्बाइन करवा सके अपने डीएनए को। दूसरी चीज इसने क्या पूछी थी कि हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब जीन को काट देता है, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम वेक्टर में कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट लगा दिया, और फिर हम डीएनए लाइगेज की मदद से ये जो स्टिकी एंड्स प्रेजेंट है इनकी हेल्प से अपने वेक्टर के अंदर इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, वेक्टर के डीएनए में डाल देते हैं। ठीक है, ये हमने बता दिया। इसके बाद दोनों फ्रेगमेंट्स की लेंथ कैसे हमने बताई थी, देखो जी के बाद यहां पे कट लगा था, तो ये हमारा 5' टू 3' डायरेक्शन हो गया, और बाकी हमारा दूसरा एक फ्रेगमेंट अलग बन गया जहां पर ये 3' टू 5' डायरेक्शन में चलेगा। उसी तरीके से यहां पर भी
इस जगह पे हमारा कट लगा था जी के बाद, तो ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे। तो हमारे डबल स्ट्रैंड डीएनए में हमारे दोनों स्ट्रैंड पे कट लगा और दोनों के अलग अलग टुकड़े हो गए, तो टोटल यहाँ पे चार स्ट्रैंड हमें मिल रहे हैं, दो फ्रेगमेंट्स हमारे हर स्ट्रैंड के हो जाएंगे। और इस तरीके से उनमें सीक्वेंस होगा, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, सीक्वेंस तो सेम का सेम है, बस बीच में से कट गया है, तो इसीलिए दो स्ट्रैंड बन गए एक की जगह। चलो इसके बाद बैम एच वन साइट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है भाई, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन इसमें अगर हमने बीच में कोई जीन घुसा दी तो ये हमारी रेजिस्टेंस जीन बेकार हो गई, इनएक्टिवेट हो गई, तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन यहाँ पे हो जाएगा। कोई एक जीन थी, कोई एक लोकेशन थी डीएनए के अंदर जो कि कोई एक पर्टिकुलर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, और उस जीन में वहां पर उस जगह पर उस लोकेशन पे उस लोकस पे आपने कोई और जीन डाल दी, वहां पर कोई नई जीन इंट्रोड्यूस कर दी, कोई फॉरेन जीन ले आए, तो जो पहले वाली जीन थी उसका इनएक्टिवेशन हो जाएगा। तो यही यहाँ पे हो रहा है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देती थी वो जीन, लेकिन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में क्योंकि हमने एक कोई फॉरेन जीन डाल दी है तो वो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस लूज कर देगा, क्योंकि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इस रेजिस्टेंस जीन की हो चुकी है। और एज अ रिजल्ट क्या होगा, हम किस तरीके से इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बेसिस पे अपने रिकॉम्बिनेंट्स को और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, यानी वो प्लाज्मिड जो नॉर्मल है जिसमें हमने कोई भी जीन नहीं डाली और वो प्लाज्मिड जिसमें हमने नई जीन इंट्रोड्यूस कर दी है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या रहेगा। अरे नई जीन इंट्रोड्यूस करने की वजह से टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस लूज कर चुका है, तो हम यही करेंगे टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में इसको ग्रो करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे रिकॉम्बिनेंट तो ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब उनमें टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं रही है, टेट्रासाइक्लिन को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन हमारे जो पुराने वाले हैं जो नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं उनकी रेजिस्टेंस जीन अभी इनएक्टिवेट नहीं हुई है, इसीलिए हमारे नॉन रिकॉम्बिनेंट्स टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो कर पाएंगे। इसी तरीके से इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के बारे में यहाँ पर हमें बताना था। अब दूसरा ऑप्शन जो इसने सेक्शन सी में हमें दे रखा था वो बीटी क्रॉप के बारे में दे रखा था, तो यानी सैंपल पेपर के अंदर एक हमारे पास आया बायोटेक के प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस वाले चैप्टर का ऑप्शन, और दूसरा इसने और लगा के दे दिया हमें एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वाला। तो देखो हमें क्या पैराग्राफ में बोल रहा है कि जो हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं, जीएम क्रॉप्स होती हैं, स्पेशली बीटी क्रॉप्स, इनमें पेस्ट अटैक के अगेंस्ट हाई रेजिस्टेंस होती है। बिल्कुल होती है भाई, पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए ही तो हमने ये बीटी जीन इनमें इंट्रोड्यूस की थी। तो एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी हुई जहां पे चार अलग अलग खेतों में, चार डिफरेंट फार्मलैंड्स में बीटी और नॉन बीटी क्रॉप्स को ग्रो किया गया। ये बिल्कुल सेम साइज के थे, सॉइल भी एक जैसी थी, सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, तो इससे हमें बीटी और नॉन बीटी क्रॉप पे कितने पेस्टिसाइड यूज किए गए इसके बारे में पता लग रहा है। तो जो ब्लैक वाला है वो बीटी क्रॉप का शो कर रहा है और जो लाइट कलर का है वो नॉन बीटी क्रॉप का शो कर रहा है। तो हमेशा लाइट कलर वाला जो बार है वो ज्यादा लंबा है, क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा पेस्टिसाइड यहाँ पे यूज करने पड़ते हैं नॉन बीटी क्रॉप में। बीटी क्रॉप के अंदर तो अपने आप में एक बायो पेस्टिसाइड बना हुआ है भाई, उसके अंदर हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग करके अपनी बीटी क्रॉप के अंदर बीटी जीन डाल दी है, क्राय जीन्स डाल दी है बैसिलस थुरिंजियंसिस से लेके, जिसकी मदद से वो अपना खुद का इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बना पाती है बिना किसी केमिकल इंसेक्टिसाइड, बिना किसी केमिकल पेस्टिसाइड की मदद से वो अपने इंसेक्ट पेस्ट से खुद को बचा पाती है, उनके अटैक से बचा पाती है। इसीलिए हर जगह पे जो पेस्टिसाइड का लेवल है वो नॉन बीटी क्रॉप में ज्यादा होगा और बीटी क्रॉप में उतने इंसेक्टिसाइड यूज करने की जरूरत हमें है ही नहीं, बायो पेस्टिसाइड वहां पे ऑलरेडी है, वो पेस्ट रेजिस्टेंट ऑलरेडी हमने बना दी जेनेटिक इंजीनियरिंग से, तो इसमें तो कोई अचंभे की बात थी नहीं। सिंपल ये ग्राफ दिखाया हुआ है, बस यही बात होती है, अगर घुमा फिरा के उसने कुछ पूछ लिया, आपको ये ग्राफ दिखा दिया, आपका सर घूम गया कि यार ये क्या ग्राफ है, ऐसा कोई बीटी कॉटन वाले टॉपिक में ग्राफ तो था नहीं। लेकिन जब उसको एक बार देखोगे ना एक मिनट, तो उसमें कुछ खास निकलता नहीं है, ऐसे ही बस वो डराने के लिए दे देता है, और ज्यादा चांसेस यही है कि आपके पेपर में ऐसे ज्यादा घुमा फिरा के पूछेगा नहीं, सीधी सीधी बात पूछेगा। हाँ लेकिन केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए उसको पैराग्राफ तो देना ही था, उसी पैराग्राफ के बेसिस पे फिर वो क्वेश्चन पूछने वाला है। तो देखो क्या पूछ रहा है, इन चार फार्मलैंड्स में से किसने बायोटेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके अच्छी से मैनेजमेंट प्रैक्टिस की है और एग्रोकेमिकल्स का यूज किया है, और अगर आपको कल्टीवेट करना होगा तो आप बीटी क्रॉप प्रेफर करोगे या नॉन बीटी? तो देखो भाई, फार्मलैंड टू जो है यानी जिसमें बीटी क्रॉप उग रही है उसमें बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन की गई है फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर की फील्ड में
वहां पर बीटी क्रॉप को यूज किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को यूज किया, जिससे बिना इंसेक्टिसाइड पे रिलाई किए हुए, हम बिना किसी केमिकल पे रिलाई किए हुए इंसेक्ट पेस्ट से बच पा रहे हैं, हैवी लॉसेस प्रिवेंट कर पा रहे हैं। अगर आपको उगाना होगा तो क्या उगाओगे? बीटी क्रॉप उगाओगे। क्यों उगाओगे? क्योंकि ये एक बायो पेस्टिसाइड है, यूज ऑफ पेस्टिसाइड हाईली रिड्यूस्ड होता है। वैसे भी केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब जब हम यूज करते हैं तो नेचुरल इकोसिस्टम के लिए तो काफी हार्मफुल है। ये काफी दिनों तक इकोसिस्टम्स में परसिस्ट करते हैं, केमिकल्स नुकसान तो पहुंचाते ही हैं। तो रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल्स, सबसे बड़ा फायदा तो यही है हमारी बीटी क्रॉप्स का। और क्या बोल सकते हो? डिक्रीज ऑफ पेस्टिसाइड। हाँ, बेसिकली यही बोल रहा है। क्यों बीटी क्रॉप को हम प्रेफर करेंगे, उसका रीजन यही देंगे, रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। इसके बाद दूसरी चीज इसने क्या पूछी भाई? दूसरी चीज ये पूछ रहा है कि अगर कॉटन बॉलवर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए इन फार्मलैंड्स में और कोई पेस्टिसाइड हमारे पास में नहीं है, तो बीटी और नॉन बीटी क्रॉप किस तरीके से रिएक्ट करेंगी? तो भाई कॉटन बॉलवर्म तो एक इंसेक्ट पेस्ट है, लेकिन हमारी जो बीटी क्रॉप है उसके पास क्रायोजीन है। क्रायोजीन जो कि उसको बैसिलस थुरिंजियंसिस से मिली है, बैसिलस थुरिंजियंसिस नाम के बैक्टीरिया से लेके ये क्रायोजीन हमने उसको दी है, और इस क्रायोजीन के मदद से एक टॉक्सिक प्रोटीन, या आप कह सकते हो कि एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, ये प्लांट्स बना पाते हैं। तो अब जैसे ही किसी कीड़े ने इस प्लांट को खाया, तो उस कीड़े के गट में जाके, उस कीड़े के डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके, ये जो हमारे इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन के क्रिस्टल्स होंगे, ये सोल्यूबिलाइज हो जाएंगे। ये जो क्रिस्टल्स के फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में हमारा टॉक्सिन बनता है, ये क्रिस्टल्स घुल जाएंगे, सोल्यूबिलाइज हो जाएंगे, और हमारा जो टॉक्सिन है ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होके तुरंत ये इंसेक्ट के बॉडी के अंदर अटैक करने लगेगा, प्रोटीन बिकम्स एक्टिव, और जिस भी कीड़े ने इस कॉटन प्लांट को खाया है उसके गट की एपिथेलियल लाइनिंग में, उसके गट की एपिथेलियल सेल्स के साथ बाइंड करके उनकी स्वेलिंग करवा देगा। क्या करवाएगा ये टॉक्सिन? एपिथेलियल सेल्स की स्वेलिंग करवा देगा, लाइसिस करवा देगा, और एज अ रिजल्ट इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। तो अब उस इंसेक्ट को तो नहीं पता कि ये हमारी बीटी क्रॉप है, वो तो मजे से आया, उसने सोचा कि बढ़िया भोजन मिल गया, वो आया, उसने इस बीटी कॉटन के प्लांट का पत्ता खा लिया। लेकिन खाते ही, जैसे ही उसके अंदर ये एंटर किया, तो हमारा जो इनएक्टिव टॉक्सिन था वो उसके बॉडी के अंदर जाके, जब उसको एल्कलाइन पीएच मिला, हाई पीएच मिला, तो वो एक्टिव हो गया, और एक्टिव होते ही उसने इंसेक्ट के ही गट के एपिथेलियल सेल्स की लाइसिस करवाना, स्वेलिंग करवाना, और वहां पे पोर्स बनाना चालू कर दिया। तो इस तरीके से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है भाई। तो हमारे बीटी के केस में, तो अगर आप बीटी क्रॉप पे कॉटन बॉलवर्म्स लाओगे तो क्रायोजीन की मदद से वो अपने आप ही उन्हें भगा देगा, जो भी इंसेक्ट उसको खाने की कोशिश करेगा उस इंसेक्ट की खुद ही डेथ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे नॉन बीटी क्रॉप में कॉटन बॉलवर्म पे कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारा यील्ड कम हो जाएगा, हमें हैवी लॉसेस होंगे, ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेंगी। अगर कोई केमिकल पेस्टिसाइड की हेल्प हम नहीं ले पा रहे हैं, तो जो नॉन बीटी क्रॉप है, जो जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं हो रखी है, उसके पास कोई भी मैकेनिज्म नहीं है इंसेक्ट पेस्ट से खुद को बचाने के लिए। तो यही सारी बातें हमें बतानी थी। इसी के साथ हमारे सैम्पल पेपर की एनालिसिस खत्म होती है। यहाँ पर हमने एक तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए, हमें ये पता लग गया कि कौन से चैप्टर से कितने कितने और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और दूसरी चीज़, इस वीडियो को देखने के बाद रिवीजन तो हो ही गया काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों का, पेपर कैसा आएगा इसका हमें एक आइडिया लग गया, तो मेंटली हम प्रिपेयर हो जाते हैं और हमें एक हमारे दिमाग में क्लैरिटी आ जाती है कि किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चन आने हैं और उसमें कैसे कैसे लिखना है। तो बस यही बात याद रखना कि जितना पूछा गया है उतना बताओ, वो ज़रूर बताओ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें ज़रूर कवर करो, लेकिन उससे ज़्यादा कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है। पेपर चेक करने वाला भी आपकी कहानी पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाएगा, फालतू में नंबर कट सकते हैं आपके, और दूसरी चीज़ अपना टाइम भी वेस्ट होगा। तो 15 मिनट जो आपको मिलेंगे पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, उसी में पेपर को अच्छे से पढ़ के दिमाग में पूरी रूपरेखा बना लो कि अगले 2 घंटे में कैसे कैसे और क्या क्या लिखना है। इसी तरीके से जैसे अभी हमने सैम्पल पेपर डिस्कस किया है आपके साथ,
प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे, और कल पूरा का पूरा सिलेबस तो हमने कवर कर ही लिया था, उसमें से किसी टॉपिक में अभी भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, तो आपके आपका एग्जाम आने के दिन तक आपके सारे डाउट्स हम क्लियर कर सकें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने टर्म टू एग्जाम में जा सको। तो चलो अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।